स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज़ सादिक ने वज़ीर आज़म के खिलाफ शेख रशीद का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है। रेफरेंस नाकाफी सबूतों के बायस मुस्तरद किया गया। जानते हैं बेनज़ीर मेहदी से। बेनज़ीर, क्या कहना है स्पीकर का? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली सेक्रेटेरियट ने इस बात को कंफर्म किया है कि शेख रशीद ने चंद रोज कबल वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कराया था, जिसमें कहा गया था कि पानामा लीक के इंकशाफात के बाद वजीर आजम अब सादिक और अमीन नहीं रहे, यानी वो आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते, इसलिए उन्हें नाअहल करार दिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस पर अपनी रूलिंग दे दी है और कहा है कि इस रेफरेंस को जो है वो मुस्तरद कर दिया है, और ये कहा गया है कि इसके अंदर जो शवाहिद थे, सबूत थे वजीर आजम के खिलाफ, वो नाकाफी थे, इस वजह से इस रेफरेंस को मुस्तरद किया जाता है। बेनज़ीर मेहदी, शुक्रिया आपका।